आज हमारी यूनिवर्सिटी के ना पूरी रोड फैसलाबाद वाली ब्लॉक हुई थी, फैसलाबाद वाली साइड की। तो आए आपको चल के इसकी कहानी सुनाते हैं, चीमे की जुबानी सुनाते हैं। एक सिंगल लेक्चर था हमारा आज यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर साहब का, उसके लिए हम सुबह 5 मिनट लेट हो गए बस में, और हमें बाइक पे आना पड़ा। ये मेरे दोस्त की हालत देखी, ये देखें, ये सफ्यूल लग रहा है रोड, और यहाँ बड़ा साफ लग रहा है, थोड़ा इधर लाइट में। ये मिट्टी है भाई, फुल मिट्टी हुआ। रोड ब्लॉक था, बाइक भी हम आए हैं मिट्टी से भर के। और जिस टाइम यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं पता चला सर डायरेक्टर साहब ही आए, उनका भजन की नींद पूरी हुई। तो वो भजन नहीं नहीं मैंने सुना, वो रास्ते में है, रास्ता खुला हुआ है, बस बातों में ही यार रास्ते में। उम्र तू बता तेरी, तू भी ऐसी आया? मैं जी बस पे आया हूँ, और सिचुएशन ये थी कि तकरीबन हम लोग 8:30 बजे पहुंच जाते और 10 बजे पहुंचे, और पहला लेक्चर मिस हो गया, और मेरा लेक्चर था भी नहीं पर मिस भी हो गया। देखो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जोन साइज रोड को जितनी जल्दी हो सके इसको बनाएं, ये काफ़ी देर का प्रोजेक्ट है, और हमें यहाँ पर पढ़ते हुए 3.5 साल हो गए और अभी तक कुछ इसकी ना कोई फंड्स आए हैं और ना ही रोड बन रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से कि यूथ की आपके साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, तो इस रोड को जो डबल भी किया जाए और इसको कम से कम नहीं तो सही तो किया जाए ना, दोबारा से बनाया जाए। सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी का मसला नहीं है, ये 2 मेजर सिटीज़ हैं, चिन्नौर और फैसलाबाद को कनेक्ट करने वाला सिंगल रोड है, और उसकी हालत सिंगल रोड बल्कि सिंगल लेन रोड है, उसके ऊपर ये मदीना शुगर मिल है, पूरा रोड ब्लॉक किया उनके ट्रालियों ने, और एक साइड पे डंपर है, और दरमियान में यूनिवर्सिटी की बसें फंसी हुई हैं, 3 घंटे लेट हो गए हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी आज पहुँच रहे हैं। मैं भी चिन्नौर की साइड से आता हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा देर लगी आ जाने में। वैसे मैं पहुँच गया था सुबह, पर हमारे लेक्चर इसी वजह से सारा दिन हमारी पढ़ाई का हर्ज हुआ, हमारे पैसों की हर्ज हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस ऐसे ही मुँह उठा के जाएंगे घर वापस, और घर वालों से हम सुनेंगे ताने कि तुम सुबह के गए इतनी जल्दी हाल लगाने गए थे वापस आ गए। तो मेरी भी अपील है कि ये थोड़ी रोड को थोड़ा बेहतर किया जाए, और ताकि हमारी यूनिवर्सिटी के आने जाने के लिए आसानी पैदा हो।